हेलो नमस्कार साथियों, मैं नुमान चौधरी आपका वेट संजीवनी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का अपन का जो टॉपिक रहने वाला है वह टॉक्सोलॉजी। टॉक्सोलॉजी के बारे में बात करेंगी कि टॉक्सोलॉजी किसे कहते हैं, उसका जो जनक है वो कौन है, और कौन कौन से मतलब जो विषाक्तता होती है वो उनका एंटीडोट क्या है, उनके बारे में बात करने वाले। कंपटीशन के लेवल से देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, एंटीडोट का। कि जैसे मान लो कि अरंडी है तो उसका एंटीडोट कौन सा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन बात करेंगे कि कंपटीशन के हिसाब से भी करेंगे, और जो डिप्लोमा में है आपके सेकंड ईयर वालों के, उनके भी या तो 5 एंटीडोट के नाम लिखवा लेगा या पूरी डिटेल या टॉक्सोलॉजी क्या कहते हैं, टॉक्सोलॉजी से प्रभावित वो एंटीडोट या विषाक्तता एंटीडोट के बारे में लिखो। तो ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपके फार्माकोलॉजी का चैप्टर है, तो आज अपन बात करेंगे टॉक्सोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो टॉक्सोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉक्सोलॉजी होती क्या है भाई। जब टॉक्सोलॉजी का पता कब चलेगा, जब टॉक्सोलॉजी के बारे में जानेंगे तब। तो टॉक्सोलॉजी होती है जिसमें विज्ञान की वह शाखा, एक मिनट, परिभाषा की अपन बात करें इसमें, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधियां, रासायनिक पदार्थों एवं उनकी विषाक्तता एवं उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कह लेते हैं, टॉक्सोलॉजी या विषाक्तता कहलाते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधियां, रासायनिक एवं उनकी विषाक्तता एवं उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, टॉक्सोलॉजी कहते हैं। आधुनिक विश्व विज्ञान के जनक के बारे में अपन बात करें, एक जनक का भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चीज ध्यान रखना, जनक का भी क्वेश्चन पूछा। आपकी बार पिछले जब 2022 में LSA का एग्जाम लगा था तो उसमें मेडिसिन का जनक पूछा गया था, ठीक है। उसी प्रकार टॉक्सोलॉजी के जनक की बात करें अपन, MJB और फैला, कौन है, MJB और फैला आधुनिक विश्व विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आगे हो गई विषाक्तता, टॉक्सोलॉजी हो गई, ठीक है। इसके बारे में अपन आगे फिर बात करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट मैंने बताया था यूनिवर्सल एंटीडोट, ऐसा डोट जिसे अपन ज़्यादा काम में लेते हैं, औषधियों के संयोजन में ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करें। तो यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, औषधियों के संयोजन में अधिकतर विषाक्तता के उपयोग में लेते हैं, ठीक है। औषधियों के संयोजन में अधिकतर विषाक्तता के उपयोग में लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात करें अपन तो सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, आपको फोटो लग रही है ये वाली, ठीक है। और फिर बात करें एक्टिवेट चारकोल, ये रहा आपका एक्टिवेट चारकोल, ठीक है, एक्टिवेट चारकोल नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों सोडियम थायोसल्फेट है, ये आपके दोनों एंटीडोट यूनिवर्सल एंटीडोट के काम में आते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि निम्न में से यूनिवर्सल एंटीडोट कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना सोडियम थायोसल्फेट और एक्टिव चारकोल के बारे में बताना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनकी विषाक्तता और विषाक्तता से उपचार, ठीक है, कि यूरिया है, यूरिया में कौन सी विषाक्तता, यूरिया से जैसे विषाक्तता हो गई, जैसे ये पशु है, ये यूरिया अधिकतर मात्रा में लेने के बाद ये इस कंडीशन में हो गया, तो इसमें उपचार करें तो क्या करें, तो आपको इसके उपचार में क्या देना है, एसिटिक एसिड या विंगर यानी अदरक, ठीक है, ठीक है, ये देना है। अगर अरंडी की बात करें यानी कास्टर की बात करें तो इसमें रिसिन एंटी सीरम दिया जाता है, ठीक है, उपचार की बात कर रहा हूँ कि रिसिन एंटी सीर उपचार में दिया जाता है। अब बात करें अपने साइनाइड, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन खालिस्तान में अवश्य पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, साइनाइड सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, क्या क्या दिया जाता है, सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम थायोसल्फेट दिया जाता है। बात करें मोलिब्डेनम में तो कॉपर सल्फेट दिया जाता है, ठीक है। अभी पिछले महीने में मतलब जून के मई के 17 मई के लगभग BSF का एग्जाम हुआ था, उसमें ये जिंक वाला पूछा गया था, है ना, तो सब में पूछा जाता है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सब में पूछा जाता है, ठीक है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट या क्लोरेट की अगर विशेषता की बात करें तो 1% मिथाइन ब्लू काम में लेते हैं, ठीक है, ये आपके VLDA वाले और AVF वाले विद्यार्थियों को लिए ध्यान में रखते हुए ये क्लास भी बनाइए, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक विषाक्तता का जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट अपन बात करें ऑक्सिलेट में बात करें अपन तो इसमें क्या लेता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट काम में लिया जाता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें अपन तो इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड भी लिया जाता है। गोसीपोल या मिमोसिन की बात करें तो आयरन सल्फेट भी काम में लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके किसकी, विषाक्तता एवं उपचार, आगे भी है ना,
नेक्स्ट बात करें अपन लेड व जिंक, ये पूछा गया था बीएसएफ एग्जाम अभी मई में लगी थी, 17 मई के लगभग, उसमें पूछा गया था ये जिंक लेड व जिंक भी विषयता हो जाए तो उसमें कौन सा हाइड्रेट काम में, ईडीटी काम में लेते हैं। आर्सेनिक की बात करें तो बाल काम में लेते हैं, ठीक है। कॉपर की बात करें तो अमोनियम मोलिब्लेडेट काम में लेते हैं, एट्रोपिन या आयरोमेटिंग, कोमा है भाई, ठीक है, ये कोमा लगा लेना। एट्रोपिन व आयरोमेटिन की बात करें अपन तो इसमें क्या हो गया, फाइसोथाई जीवाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें स्नेक बाइट, अगर सांप काट ले तो क्या लगाया जाता है, 2% KMnO2, ठीक है, यानी लाल दवा, ठीक है, इसे आप लाल दवा भी कह सकते हो, पोटेशियम प्रग्नेट भी कह सकते हो, लाल दवा, ठीक है। मेलाथियन या पैराथियन की बात करें, मेलाथियन या पैराथियन की बात करें तो एट्रोपिन सल्फेट काम में लेते हैं, और स्वीट क्लोवर के काम में ले तो विटामिन के काम में लेते हैं, किसमें काम में लेते हैं, विटामिन के काम में लेते हैं। या फिर अपन बात करें डीडीटी एल्ड्रीन एड्रेलिन, तो इसमें एक्टिवेट चारकोल, अभी बताया था ना मैंने आपको, एक्टिवेट चारकोल का काम में लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके एंटीडोटों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास थी आपकी, तो सभी विद्यार्थी जबरदस्त तरीके से क्लास को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये क्लास पहुंचे और आप सभी विद्यार्थियों को एक क्वेश्चन का फायदा हो, ठीक है। अरे एक बूंद बूंद से घड़ा भरता ना, तो छोटी छोटी जो मैंने क्लासे लगा रखी है वीएफओ के लिए और इसके वीएलडीओ वालों विद्यार्थियों के लिए, तो सभी विद्यार्थी इसको टाइम टू टाइम शेयर करते रहें, ठीक है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं भूलें, आगे किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी आएगी तो आपको तुरंत न्यूज़ मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और इसी प्रकार वेट संजीवनी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।